जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर, AK-47 समेत कई मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। उधमपुर आतंकियों को पनाह देने वाला एक आतंकी भी मारा गया। बजट 2016 के धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी संसद में देंगे बयान। वहीं इशरत केस पर ओम बिरला ने लोकसभा और भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में दिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सुबह 11 बजे तिहाड़ से बाहर आएगा कन्हैया। अदालत ने माना कि जेएनयू में लगे थे देशद्रोही के नारे। खुद सुधरने और कैंपस को सुधारने की शर्तों के साथ दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। विधानसभा सत्र का 4था दिन आज, धन्यवाद प्रस्ताव पर आज होगी बहस। तीसरे दिन सदन में गूंजा FIR का मुद्दा। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा जल्द FIR व्यवस्था होगी ऑनलाइन। रोजगारेश्वर मंदिर के निर्माण कार्य की तारीख का आज हो सकता है ऐलान। महाशिवरात्रि पर हो सकती है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 300 साल से शिवरात्रि पर होती आई है पूजा। सराफा व्यापारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आभूषण कारोबार हुआ ठप। पहले दिन 500 करोड़ तो देश में 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। आज वित्त मंत्री से मिल सकते हैं सराफा व्यापारी। आनंदपाल फरारी केस में 6 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कल सदन में विपक्ष ने आनंदपाल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा राज्य सरकार आनंदपाल को पकड़ने में रही नाकाम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पेड़ पर चढ़े तेंदुए को देखकर लोगों में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को बचाया।